शहीद पुलिस जवान अमिता बच्चन के पार्थिव शरीर भदौरा गांव पहुंचते मची चीख पुकार, गमगीन हुआ माहौल। मुंगेर जिला के लालजो वैशाली जिला में बैंक लुटेरों से लोहा लेते सोमवार को शहीद हो गए। वहीं सोमवार की देर रात वैशाली से अमिताभ बच्चन का पार्थिव शरीर उसके पैतृक निवास खड़गपुर प्रखंड के बहरा पंचायत अंतर्गत भदौरा गांव पहुंचा तो चीत पुकार मच गई। पुलिस जवान अमिताभ बच्चन का पार्थिव शरीर भदौरा पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं परिवार के बीच आंसू थम नहीं रहे थे। वहीं ग्रामीण भारत माता की जय, शहीद जवान अमिताभ बच्चन अमर रहे के नारे लगा रहे थे। वहीं सभी जवान के अंतिम दर्शन की एक झलक पाने के लिए देर रात से ही ग्रामीणों की भीड़ जुट रही थी। गाँव के हर आंखों में आंसू थे तो पर अपने बेटे के गर्व भी था कि वह अपराधियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है। घर के बाहर ही मैदान में शहीद जवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वहीं ड्यूटी के दौरान वैशाली जिला के सराय थाना में पद पर स्थापित सिपाही अमिताभ बच्चन का सब गांव पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, जला रेड्डी खड़गपुर अनुमंडल, पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार, अंचल अधिकारी संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर रामानुज सिंह, खड़गपुर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, शामपुर सहायक थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, मेजर अशोक कुमार बैठा, सार्जन सुमित सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुंच शहीद जवान को शोक सलामी दी और जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाया। वहीं मुंगेर पुलिस के बैंड ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया व शोक सलामी दी। मुंगेर एसपी जगुनाथ जला रेड्डी ने बताया कि शहीद जवान का अंतिम संस्कार भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के गंगा घाट पर किया जाएगा। वहीं पुलिस जवान अमिताभ बच्चन की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने हाथों में देशभक्ति का जज्बा लिए तिरंगा झंडा लेकर जब तक सूरज चांद रहेगा बच्चन तेरा नाम रहेगा सहित देशभक्ति नारे लगा रहे थे। वहीं अंतिम यात्रा में बूढ़े बच्चे जवान महिला सहित समूह साथ साथ चल रहे थे। अमिताभ बच्चन के अंतिम दर्शन एवं अंतिम यात्रा में पूरा गांव रो पड़ा। वहीं पति के सब से लिपटकर पत्नी कोमल रोती रही। जबकि पुलिस अधीक्षक घरवारों से मिलने पहुंचे तो पत्नी कोमल सिर्फ इतना ही कह रही थी कि साहब अब हमें कौन देखेगा। वहीं भाई मिथुन एवं बहनों का भी रो रोकर बुरा हाल है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि लॉ और ऑर्डर ऐसा हो कि अपने भाई पति पिता को कोई और ना खोए। वहीं अंतिम दर्शन के लिए जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव में रखा गया था। उसको देखने के लिए आसपास के कई गांव के लोग उमड़ रहे थे तो वहीं मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार भी शहीद के घर पहुंच उसे श्रद्धांजलि दिए। वहीं उनका 4 वर्षीय पुत्र अर्णव और 3 वर्षीय पुत्री आराध्या सब कुछ देख रही थी। क्या पता इस दुर्गा पूजा के मेले में उसको अब कौन खिलौना दिलाएगा। निवासी हमारे सिपाही जो अमिताभ बच्चन जी कल जो शहीद हुए थे वैशाली में जो कार्य के दौरान जो शहीद हुए थे उनका यहाँ पार्थिव शरीर आया है और हम लोग सलामी दिए हैं शोक सलामी और इसका अंतिम संस्कार अभी होने वाला है। थैंक यू। घर से एक लाल को खो दिया आप अपने भाई को खो दिया इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं क्या आपके इस मामले में यही कहना चाहते हैं कि ऐसा घटना किसी के साथ भी नहीं हुई और सरकार से मैं विनती करता हूं कि कानून व्यवस्था पर पुख्ता से पुख्ता ध्यान दे ताकि किसी का भाई किसी का पति या किसी का बेटा अगले बार से इस तरह की घटना में ना मारा जाए। आपके घर में कौन कौन रहते थे। मैं रहता हूँ मेरी भाभी और दो मेरे भतीजा भतीजी हैं और पापा हैं बस। कितने लोग हमारे सदस्य बने। बस एक मेरा भाई है। अब क्या होगा आप कैसे गुजर बसर अब जैसे हो सरकार ध्यान देगी या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि आगे की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए ताकि हम लोग को जिंदगी जीने में जो भी आसान हो। और क्या आप क्या करते हैं। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा क्या नाम हो आपका। मिथुन कुमार। आप कौन है उनके। हम भाई हैं फटा वाला दो भाई हैं एक बड़े थे एक हम छोटे।
ये ऐसे ही इंसान थे कि इन बारे में कुछ बयान ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जब ये छुट्टी पे आते थे हम लोग को मनोबल को उत्साहित करते थे। किस तरह से उत्साहित करते थे? ये ऐसे पढ़ो, ऐसे दौड़ो, फिजिकल में ऐसे करो, मेहनत करेगा। अच्छा। अब वो देने वाले है ही नहीं दुनिया में। तो युवा को आदर्श मानते थे क्या? बहुत ज्यादा। और घर में कैसा व्यवहार था इनका? पूरा समाज में एक दूसरे को किस तरह व्यवहार किया जाता है इस अच्छे तरह से ये जानते थे। कौन कौन मेंबर इनके घर में, कौन कौन सदस्य इनके घर में? अभी इनके एक भाई है, छोटा भाई है। वो क्या करते हैं? वो इस पढ़ाई ही करते हैं घर में। क्या चीज़ का? ऐसे जीडी कोई जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। अच्छा। घर में कौन कौन है? मम्मी भी चली गई, पापा हैं, बस एक छोटा भाई है और भाभी उसकी भाई है। उनके जब शहीद होने की सूचना मिली तो क्या हाल है गाँव वाले का? सूचना मिलने पे गांव में चारों तरफ एक ऐसा आने लगा ना कि सबके आंखों में आंसू का बौछार देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। कहाँ गया रहा? भदौरा। अमिताभ बच्चन। क्या नाम है? अमिताभ बच्चन। पिताजी का क्या नाम था? गणेश। कहाँ घर का है? बगल में भदौरा। कैसे आदमी थे ये अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन तो बढ़िया आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था। गाँव में कैसा व्यवहार था इनका? बहुत अच्छा था, एकदम सीधा साधा था। ड्यूटी से आते तो फिर क्या गांव वाले से लोग सबसे मिलता जुलता था एकदम। पारिवारिक संबंध कैसा था? बहुत बढ़िया था, बढ़िया था। घटना का जो सूचना आप लोगों के लिए क्या है, अभी हाल है आप लोगों का? अच्छा, इनको जो शहीद हुए हैं आप लोगों को सूचना मिला तो गांव वाले का क्या हाल है? बहुत दुख हुआ, काफी दुखी है। रात भर सब जागे हुए हैं, पूरा बरियारपुर तक गए हैं रिसीव करने के लिए। अच्छा अच्छा। इनके घर में कौन कौन लोग हैं? इनके घर में पिताजी है, एक भाई है। बड़े ये थे? बड़े। और भाई कितने हैं? दो ही भाई थे। दूसरे भाई का क्या नाम है? मिथुन। इनका तो मिथुन, इनका भी मिथुन है। अमिताभ बच्चन है इनका मिथुन। पिताजी क्या करते हैं? इनके खेती करते हैं। आखिरी बार कब आए थे यहाँ? ये आखिरी बार कब आए थे इधर? तो 12 तारीख। क्या नाम, कहाँ घर है? क्या नाम बताए? निशी काम। कैसे आदमी के लिए अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन तो बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। गाँव में कैसा व्यवहार था इनका? बहुत अच्छा था, सीधा साधा। हाँ। ड्यूटी से आते तो फिर क्या गाँव वाले से लोग? पारिवारिक संबंध कैसा था? बहुत बढ़िया था, बढ़िया था। घटना का जो सूचना आप लोगों के लिए क्या है, हाल हाल है आप लोगों का? जो सूचना मिली है शहीद होने की तो हम लोग उससे दुखी हैं। अच्छा, इनको जो शहीद हुए हैं आप लोगों को सूचना मिला तो गांव वाले का क्या हाल है? काफी दुखी है। अच्छा अच्छा। इनके घर में कौन कौन लोग हैं? इनके घर में पिताजी है, एक भाई है। बड़े ये थे? बड़े ये। और भाई कितने हैं? दो ही भाई। दूसरे भाई का क्या? सर लोग का एगो पता लगा था।